सेना के टीए बटालियन मुख्यालय में गोलीबारी के दौरान एक जवान की मृत्यु, 3 अन्य घायल। पुंछ जिले के सुनकोट तहसील में स्थित सेना के 156 टीए बटालियन मुख्यालय में जवानों की आपसी झड़प में सेना का एक जवान की मृत्यु होगी, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सैन्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत उचित उपचार के लिए सैन्य अस्पताल रेफर कर किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के सुबह लगभग 5 बजे के करीब सैन्य मुख्यालय में सेना के जवानों की ड्यूटी को लेकर आपस में कहासुनी के चलते आपसी झड़प के दौरान सिपाही इम्तियाज अहमद निवासी केरी कांगड़ा मैंडर ने अपने ही साथियों पर गोलियां चलाने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। इस गोलाबारी के दौरान 156 टीए के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के उपरांत अन्य सैन्य जवानों ने सभी घायलों को उपचार के लिए सेना अस्पताल पोठा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिपाही इब्रार अहमद निवासी कालाकोट को मृत घोषित कर दिया। शाम को मृतक इब्रार अहमद के शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल सुनकोट लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस स्टेशन सुनकोट में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिसीव किया है अबरार अहमद, सन ऑफ मोहम्मद कासिम, आरओ कोठियां कालाकोट डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये सिपाही है 156 टीए का। कोई इंसिडेंट हुआ सुबह फायरिंग का कैंपस के, उनके कैंपस के अंदर। ये डिप्यूटेड था टाउन कॉलोनी में। हमने बॉडी रिसीव की है, पोस्टमार्टम हमने किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बॉडी में 3-4 बुलेट्स लगे हैं, चेस्ट में भी और अबडामन में लगे। पुंछ जिले की मैंडर तहसील के ढाकी पुल के नजदीक मैंडरी नदी में शनिवार